केंद्र की ओर से जो गाइडलाइन आई, उन्होंने कहा कि सभी जितने भी प्रदेश हैं वो अपना निर्णय ले सकते हैं और अपने स्कूल खोल सकते हैं। तो उसके ही अंतर्गत हमने एक निर्णय लिया कि जुलाई मास में हम भी अपने स्कूल खोलने वाले हैं, इसका निर्णय हमने ले लिया। और हम स्टार्टिंग जो है वो 10वीं, 11वीं और 12वीं तीन क्लासों को पहले शुरू करेंगे, उसके बाद हम 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं इसको खोल लेंगे, और उसके बाद जो छोटी क्लास है हमारी पहली से 5वीं उसको उस क्लासों को खोलने का हमने निर्णय ले लिया। साथ ही हमने इसके ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और इस प्रकार कोई बचाव के लिए जो नियम तय किए गए वो बने रहे ठीक तरीके से, उनका पालन हो, उसके लिए हमने किया कि भाई जो 50% बच्चे हैं, लगभग 30 की क्लास होती है, तो 15 बच्चे सुबह के टाइम आए और 15 बच्चे शाम के टाइम आए, या फिर ऐसे है कि 15 बच्चे आ जाएं और 15 बच्चे कल आए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। तो उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी और हमने एक डेमो भी रखा है, ताकि 4-5 स्कूलों में हम इस प्रकार के डेमो का आयोजन हमने किया है, ताकि इसको हम चेक करें कि कौन सा तरीका जो है वो ज़्यादा सही रहेगा और किस किस चीज़ की ज़रूरत है सैनिटाइज करने की और क्या क्या नियम है उसको जिसका पालन हो, ताकि हम उस सारे पे पहले से उसकी तैयारी कर लें। हम इसलिए पहले कुछ स्कूलों में करके देखना चाहते हैं ताकि उसका सारे का पालन ठीक से। देखिए ये अगस्त में जो है वो कॉलेज की क्लासें हमारी शुरू हो जाएंगी, जो फर्स्ट ईयर है उसकी सितंबर में शुरू हो जाएंगी, बाकी अगस्त में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और हमने सारा कुछ यूनिवर्सिटी को ऊपर ये रखा है कि यूनिवर्सिटी निर्णय लेंगे। 10वीं के परिणाम सभी 10वीं के जो परिणाम है सोमवार को डिक्लेयर हो जाएंगे।